मूवी शुरू होती है और हम दरवाजे से किसी को अंदर झांकते हुए देखते हैं और फिर हम गौसिया की माँ को देखते हैं जो थोड़ी देर बाद खूबसूरत गौसिया को उठाती है। उठने के बाद गौसिया अपनी गौशाला में जाती है और वहाँ गायों का दूध निकालने लगती है और जैसे ही दिन आगे बढ़ने लगता है तो गौसिया अपनी गायों को चराने के लिए ले जाती है और उसके साथ उसका एक डॉग भी होता है। तभी हम वहाँ एक अनजान आदमी को देखते हैं जो गौसिया का पीछा कर रहा होता है। गौसिया को भी किसी के वहाँ होने का एहसास होता है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। कुछ देर बाद गौसिया अपने डॉगी से बात कर रही होती है और फिर अपने सारे कपड़े उतारकर तालाब में नहाने लगती है। वो तालाब में एंजॉय कर रही होती है और तभी उसे एहसास होता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है और फिर वो तालाब से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद वो घास में लेटी होती है और एक आदमी ठीक उसके पीछे आता है लेकिन गौसिया नींद में होती है और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से गौसिया खेतों में होती है और वो दूर किसी आदमी को जाते हुए देखती है और उसके पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी गौसिया से बात करने लगता है और कुछ पेंट भी कर रहा होता है। गौसिया उसके पास जाकर देखती है तो वो आदमी गौसिया की स्केचिंग कर रहा होता है और वो भी बिना कपड़ों वाली, जिसे देखकर गौसिया शॉक हो जाती है और वहीं गिर पड़ती है। कुछ देर बाद वो आदमी गौसिया को पानी पिलाता है और कहता है कि क्या तुम यहीं रहती हो, क्योंकि ये जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं है। तो गौसिया कहती है कि हाँ, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वो आदमी कहता है कि पहले मैं भी पैराडाइज में रहता था लेकिन अब मैं एक मामूली यात्री हूँ। गौसिया उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि अब मुझे जाना होगा। तो वो आदमी गौसिया को टच करता है और कहता है कि कल मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा और फिर गौसिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गौसिया फिर से वहाँ आती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है। वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है और तभी वो आदमी भी वहाँ आ जाता है। वो फिर से गौसिया की स्केचिंग कर रहा होता है और गौसिया देखती है कि उसने गौसिया की बहुत सारी स्केचेस बनाए होते हैं। वो आदमी कहता है कि ह्यूमन बॉडी से खूबसूरत कुछ नहीं होता और वो गौसिया को छूने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी बॉडी के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, और इसके लिए गौसिया मान जाती है। वो गौसिया को उसकी नेकेड पेंटिंग दिखाता है और फिर उससे कहता है कि तुम अपनी ड्रेस उतार दो। गौसिया अपने सारे कपड़े उतार लेती है और फिर वो आदमी गौसिया को छूने लगता है। वो गौसिया के प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लगता है जिससे गौसिया भी एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और गौसिया कहती है कि मैं इस दिन का इंतज़ार बहुत टाइम से कर रही थी। फिर हम रात को गौसिया को देखते हैं और उसे नींद नहीं आ रही होती। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो गौसिया कहती है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर से अगले दिन गौसिया उस आदमी के साथ खेतों में रोमांस कर रही होती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहीं खेतों में बेड लगाकर रोमांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी गौसिया को वाइन पिलाता है और वहीं पर दोनों लंच भी करने लगते हैं। वो गौसिया को खाना खाने का सही तरीका सिखाने लगता है और गौसिया कहती है कि तुम बार बार मुझे टोक रहे हो। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी खुद के फ़ायदे के लिए है, क्योंकि तुम हमेशा गायों के पीछे नहीं रहोगी और मैं तुम्हें एक परफेक्ट लेडी बनाऊँगा, जिसे सुनकर गौसिया भी खुश हो जाती है। फिर वो गौसिया को नई नई ड्रेसेस दिखाता है और उसके बाद वो दोनों एक शो देखने लगते हैं। शो ख़त्म होने के बाद वो गौसिया से कहता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना भी सीखना होगा और वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इतने में वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गौसिया एक बुक पढ़ रही होती है और उसकी माँ उसे देख लेती है। वो गौसिया से पूछती है और कहती है कि तुम अपने आप से पढ़ना नहीं सीख सकती और कुछ बच्चों ने तुम्हें एक आदमी के साथ भी देखा था। वो गौसिया पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी। वो कहती है कि कल मैं तुम्हें प्रीस्ट के पास ले जाऊंगी और तुम्हें वहाँ सब कुछ कन्फेस करना होगा। फिर हम गौसिया को चर्च में देखते हैं और वो फादर को सब कुछ बता रही होती है। तो फादर कहते हैं कि ये आइडियाज़ तुम्हारे माइंड में किसने डाले। तो गौसिया कहती है कि ये सारे मेरे ही थॉट्स थे। फादर कहते हैं कि तुम्हें ये थॉट्स बिल्कुल भी मन में नहीं लाने चाहिए और ये सारी चीज़ें डेविल तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा और तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। फिर फादर गौसिया की मॉम को बताते हैं कि ये सारे थॉट्स एक बच्ची के नहीं हो सकते। जरूर डेविल उसे पजेस कर रहा है, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेविल अब विलेजेस में प्रे नहीं करता। वो कहता है कि फिर भी तुम्हें गौसिया को एक बार डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जो उसे एग्जामिन कर लेगा। फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर गौसिया का चेकअप कर रहा होता है, जिसके बाद वो गौसिया की मॉम को बताता है कि गौसिया एकदम पवित्र है और उसे किसी ने नहीं छुआ, जिसे सुनकर गौसिया की मॉम हैरान हो जाती है और गौसिया खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो गौसिया के कमरे में होता है। गौसिया सो रही होती है और वो गौसिया को किस करता है, जिससे गौसिया जाग जाती है। गौसिया कहती है कि मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे और तुम सिर्फ मेरे हो, और कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहना, और वो कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। गौसिया कहती है कि मेरी यही ख्वाहिश थी और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और भी चीज़ें सिखाओ, जिसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है और गौसिया फिर से अपने ख्वाबों में चली जाती है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो कुछ भी गौसिया के साथ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, और फिर यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।